वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि आरकॉम शेयर के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप देखने वाले। तो रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक की बात की जाए तो आज 2.65 पे ट्रेडिंग कर रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड स्टॉक, यानी कि तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी वॉलिटिलिटी देखने को मिली थी रिलायंस कम्युनिकेशन में आज के दिन में। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली यहाँ पे स्टेबल है 265 लेवल पे, करीबन यहाँ पे आप देख सकते कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसी से लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते स्टेबल है। आज गैप डाउन से ओपन तो हुआ था, ओपन होने के बाद एक अच्छी ऊंचाई देखने को मिली, पर जो प्रीवियस क्लोजिंग था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम किया, फिर भी उसको यहाँ पे ब्रेकआउट देख के एक अच्छी मूवमेंट की थी, पर ज़्यादा समय ऊपर के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा समय रुक नहीं पाया, फिर से गिरावट के बाद यहाँ पे रिसेंटली प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ट्रेडिंग करा है। यानी कि आज ओपन हुआ था 2.60 पे, हाई बना था 2.70 का और लो है 2.50 का। मार्केट कैप 727 करोड़ की है और यहाँ पे देखा जाए पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिले, और 1-1 की मूवमेंट देखी जाए तो 1-1 में 14% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के अंदर। चार्ट एनालिसिस पे भी नज़र डालोगे तो पिछले मंथ में गिरावट देखने को मिली थी और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली जो सपोर्ट 1 है 2.55 के करीब, तो वहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस बैक किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक ने। इसी बाउंस बैक ऐसे ही रहता है तो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.90 तक इजीली जा सकता है रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक, क्योंकि बीच में कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के लिए।